कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ साथ सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लॉकडाउन ख़त्म होने पर तो बहुत ही ज़्यादा पीक पर है सैनिटाइजर्स की डिमांड, और इस वजह से लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है, लोग इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग मार्केट में फेक सैनिटाइजर्स या फिर अल्कोहल परसेंटेज गिरा कर सैनिटाइजर्स को बेच रहे हैं, और लोगों को पता ही नहीं है, वो बस सैनिटाइजर देखते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो आज बात करते हैं कि कौन सा सैनिटाइजर आपके लिए सही है और कौन सा गलत है। हाय गाइस, वेलकम टू द कौर ब्लॉग टीवी, दिस इज जसलीन कौर, और आज की ये वीडियो सैनिटाइजर्स पर है। कौन सा सैनिटाइजर आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और आपको सैनिटाइजर को कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो गाइज, इन दिनों सब जगहों को खोल दिया गया है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो यानी कि रिलीजियस प्लेसेस हो, या फिर होटल्स या रेस्टोरेंट्स हो या मार्केट प्लेसेस हो, सब जगहों को खोल दिया गया है, और इस वजह से जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहे, बिकॉज लोग सोशल डिस्टेंसिंग शायद फॉलो नहीं कर पा रहे या कुछ भी प्रिकॉशंस जो हैं वो नहीं ले पा रहे, इसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम सैनिटाइजर को हर जगह कैरी करें, या तो पॉकेट में कैरी करें या बैग में कैरी करें या फिर ऑफिसेज और घरों में अवेलेबल रखें हमेशा। सो गाइज, आज मैं उन सैनिटाइजर्स की बात करूंगी जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं और साथ ही साथ इफेक्टिव भी हैं। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ जो आपके सैनिटाइजर में होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना आपका सैनिटाइजर आपके लिए यूजलेस है, एंड दैट इज़ अल्कोहल। तो गाइज, सबसे पहले जब भी कोई सैनिटाइजर आपके पास आता है, आप जो भी सैनिटाइजर लेते हो, तो पहले उसका जो इंग्रेडिएंट्स का सेक्शन है वो ज़रूर चेक करो, और उसमें ये भी चेक करो कि अल्कोहल की कितनी परसेंटेज है। मैं आपको बता देती हूँ कि अल्कोहल की कितनी परसेंटेज सैनिटाइजर्स में होना ज़रूरी है। अगर आपके सैनिटाइजर में है इथाइल अल्कोहल, तो इसकी परसेंटेज होनी चाहिए 60% या अबव। अगर आपके सैनिटाइजर में है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसकी परसेंटेज होनी चाहिए 70% एंड अबव। इससे नीचे अगर किसी भी परसेंटेज का सैनिटाइजर है, तो प्लीज डोंट बाय इट, बिकॉज वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरी चीज, बहुत सारे सैनिटाइजर्स ऐसे भी हैं जिनको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होने लग जाती है या फिर ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्केली फ्लेकी सी लगती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको भी है, या फिर अगर आपको और कोई स्किन इश्यूज़ हैं या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो आपको बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम लगती होगी सैनिटाइजर रिपीटेडली यूज़ करने पर। तो गाइज, आपको क्या करना है, आपको इंग्रेडिएंट सेक्शन पर चेक करना है कि आपके सैनिटाइजर में अल्कोहल के अलावा एलोवेरा या फिर नीम एक्सट्रैक्ट या फिर तुलसी एक्सट्रैक्ट या फिर लेमन या एनी सॉर्ट ऑफ सिट्रस या फिर कुछ ऐसा जैसे कि ग्लिसरीन वगैरह है या नहीं है, बिकॉज ये जो है ये सैनिटाइजर के जो डिसएडवांटेजेस हैं या फिर जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये डिहाइड्रेशन वगैरह, इन सबको थोड़ा सा कैंसिल आउट करता है या फिर मॉइस्चराइजेशन थोड़ी और अच्छी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स चेक करना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। प्लस अभी इन दिनों तो हम मजबूर हैं कि हमें रिपीटेडली सैनिटाइजर को यूज़ करते रहना है, तो इसीलिए आपका इंग्रेडिएंट्स को चेक करना बिल्कुल एसेंशियल है। तीसरी चीज़, जब भी आप किसी सैनिटाइजर को यूज़ करो, तो प्लीज़ 30 सेकेंड से कम मत करना। 30 सेकेंड्स तक आपको उसे यूज़ करना होता है, तभी वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल दिखा पाता है। अदरवाइज आप अगर बस 5 सेकेंड के लिए ऐसे ऐसे करोगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको 30 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट उसे ढंग से यूज़ करना होता है। सो गाइज, अब मैं उन सैनिटाइजर्स की बात करूंगी जो कि मेरे पास है इस टाइम पर। सो गाइज, मेरे पास जो पहला सैनिटाइजर है वो है डाबर का सैनिटाइजर, और इसके पहले इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि पहले इंग्रेडिएंट्स देखने हैं और उसमें देखना है कि अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है। तो इसमें है इथाइल अल्कोहल 60%, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, एंड इसके अलावा है इसमें नींबू का, विच इज़ अ सिट्रस। सिट्रस क्या करता है, सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट्स को कम करता है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, तो ऑफकोर्स ये भी सही है। इसका जो प्राइस है, दैट इज़ 500 ml की क्वांटिटी आपको मिल रही है 250 rupees में, विच इज़ कम्प्लीटली रीजनेबल। इनफैक्ट ऑनलाइन आपको इससे सस्ता कई बार मिल जाता है। तो मैं सब सैनिटाइजर्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको क्या करना है, आपको टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल क्लिक करते ही आपके सामने लंबी सी डिस्क्रिप्शन आएगी, उसके अंदर सबके लिंक्स होंगे, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस, सैनिटाइजर्स को इसके अलावा अगर आपको टेस्ट करना है, कि अगर आपको इनके क्लेम्स पर भी डाउट है और आपको तब भी टेस्ट करना है, तो उसके लिए एक फ्लेम टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना असली है कितना नकली है।
तो गाइज वो मैं आपको करके नहीं दिखा रही, पर मैं आपको मेंशन जरूर कर रही हूँ कि फ्लेम टेस्ट होता है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं, पर वो मैं आपको इसलिए करके नहीं दिखा रही बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है और अगर आप प्रिकॉशंस ना लो तो आग लग सकती है हर जगह, तो इसीलिए मैं वो चीज़ करके नहीं दिखा रही। पता चले मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ और आप अपने घरों में आग लगा लो और फिर बोलो कि जसलीन ने करके दिखाया था इसलिए हमने कर दिया, तो इसीलिए मैं नहीं करके दिखा रही, पर मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ कि हाँ आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ये बेला वीटा का हैंड सैनिटाइजर, ये हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा, तो ये हमें इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है ऑलरेडी इसको। सो गाइज सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, दैट इज इसमें है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% विच इज़ अमेजिंग, एंड सेकेंड थिंग इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, तुलसी एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट एंड ग्लिसरीन, सब कुछ ही है इसमें जो जो होना चाहिए हमारी स्किन को सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए, डिसएडवांटेजेस से बचाने के लिए और कम्प्लीटली मॉइस्चराइज रखने के लिए स्किन को, और हमारी स्किन इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल मॉइस्चराइज रहती है, ऐसा नहीं है कि हमें ड्राई या कुछ पैची सा फील होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ 1 लीटर ऑफ बॉटल, ये 1 लीटर की बॉटल है और 500 रुपीज़ में है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑनलाइन आपको ये काफ़ी कम प्राइजेस पर मिलेगा तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ये मिराबेल नेचुरल्स के हैंड सैनिटाइजर्स, एक है 50 ml क्वांटिटी और एक है 500 ml क्वांटिटी, तो दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है इसलिए मैं छोटे वाले से ही पढ़ देती हूँ। सो गाइज 50 ml क्वांटिटी है इसकी एंड ये आप परचेज कर सकते हो, 25 रुपीज़ की ये बॉटल है और आप इसे कैरी कर सकते हो, कहीं पर भी पॉकेट में रख सकते हो, बैग में रख सकते हो, कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, बहुत ही छोटी सी बॉटल है ये। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लिखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 72.9% यानी कि 70% से अगर ये अबव है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिसमें 70% अल्कोहल है, तो इसलिए ये ऑफकोर्स रिकमेंडेड है मेरी साइड से। प्लस इसमें ग्लिसरीन भी है तो इसलिए आपके हाथ को मॉइस्चराइज रखेगा, प्लस इसकी जो स्मेल है ओ माय गॉड इट स्मेल्स रियली नाइस, जैसे कि कोई परफ्यूम की स्मेल होती है, किसी प्रीमियम परफ्यूम की स्मेल होती है, वैसी सी स्मेल है इसकी, तो आई कम्प्लीटली लव इट। ये जो 50 ml वाली क्वांटिटी है दिस इज़ फॉर 25 रुपीज़ एंड जो 500 ml वाली क्वांटिटी है दैट इज़ फॉर 250 रुपीज़, तो ये मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। प्लस ये जो 500 ml वाली क्वांटिटी है ये भी काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज एज यू कैन सी ये जो कैप है इसको खोलो और ये थोड़ा सा छोटा सा होल है जिससे आप जितना अमाउंट चाहिए उतना निकाल सकते हो, इन कंपैरिजन टू बेला वीटा वाली बॉटल उसमें कोई ऐसा होल नहीं है कि देखो इसकी कैप खोलो तो ये जो आपको होल दिख रहा है ये हमने बनाया है बिकॉज वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो हमने ये खुद से बनाया है ताकि ज़्यादा क्वांटिटी ना निकले। प्लस इसमें क्या है कि आप इसको कैप को रिमूव करो और फिर उसके बाद आप इसे पोर कर सकते हो किसी और छोटी बॉटल्स में और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एक नेगेटिव पॉइंट है इस बॉटल का, बट 500 ml वाली क्वांटिटी जो है मिराबेल नेचुरल्स की उसमें आपको एक छोटा सा ओपनिंग मिलेगी जिससे आप अप्लाई कर सकते हो, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी अप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। लास्ट जो सैनिटाइजर है वो है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का हैंड सैनिटाइजर जिसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, टी ट्री ऑयल है और साथ ही साथ ग्लिसरीन भी है, प्लस ये जो 250 ml की बॉटल है ये आपको ₹125 में मिलेगी, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि मेरे घर पर जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है उन्होंने जब इसे यूज़ किया तो उनकी स्किन पर इरिटेशन कॉज कर रहा था, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि अगर आपकी कोई सेंसिटिव स्किन है या आपको कोई स्किन इश्यूज़ हैं तो आप इसे यूज़ करो बिकॉज आपकी स्किन को ये प्रॉब्लम दे सकता है। आई डोंट फील कि इनके जो क्लेम्स हैं वो ट्रू हैं, इसीलिए मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी के सैनिटाइजर्स मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड हैं तो मैं उनके लिंक्स ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ गो एंड चेक। इस डिफ़िकल्ट टाइम में अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो और ख़ुद भी सेफ रहो, और साथ ही साथ अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, और बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। आई विल बी बैक विद मोर सच वीडियोज़, टिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।